इस वीडियो में आपको बताऊंगी कुर्ती में प्लेट कैसे डाल। देखिए काफ़ी कमेंट आए मेरे पास कि जब कुर्ती बनाते हैं पीछे में वो लूज रह जाती है, तो वो लूज रह जाती है तो उसको सही कैसे करें। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर बैक साइड में आपकी कुर्ती लूज है तो आप इसमें प्लेट डाल के उसको फिटिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने ये कुर्ती तैयार कर ली है, कटिंग कर लिया है और अस्तर के साथ इसको जॉइंट भी कर लिया है, और अभी इसको उल्टा कर देते हैं और फिर प्लेट की मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से उल्टा कर लें, बीच में से सेंटर में फोल्ड करके और एकदम बराबर से कर लें। तो देखिए सबसे पहले आपको सेंटर पार्ट से यहाँ से, जैसे ये कुर्ती मेरी 36 साइज की है तो उसके लिए आपको 3.5 इंच यहाँ सेंटर से जब फोल्ड कर लेते हैं कुर्ती को तो सेंटर में से 3.5 इंच ले लें, और 3.5 इंच से लेके यहाँ पे इस तरीके की डॉट लगा लें और फिर शोल्डर पर जाएँ। तो शोल्डर पर इस तरीके से ले लें ऊपर से, तो जो हमारी ये ऊपर 9 इंच ऊपर छोड़ दें, 9 इंच के बाद आप इसमें इस तरीके की मार्किंग कर दें। तो ये आपको 18 इंच तक ये मार्किंग करनी है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 19 इंच या 20 इंच भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये 18 इंच लिए है शोल्डर से ऊपर से, और 9 इंच छोड़ दिया है, 9 इंच के बाद 9 इंच की हमारी प्लेट आ गई है। तो देखिए इस तरीके की आप पहले इसमें मार्किंग कर लें, और सेम मार्किंग दूसरी साइड में। तो देखिए सेम मार्किंग मैंने दूसरी साइड में कर ली है। अभी जैसे अस्तर वाली कुर्ती है आपकी, तो पहले आप इसमें एक सिलाई डाल लें स्ट्रेट। देखिए इस तरीके से पहले एक स्ट्रेट सिलाई डाल लें, इससे क्या होगा आपकी कुर्ती और अस्तर दोनों अच्छे से तैयार हो जाएंगे, तो जो प्लेट है वो प्लेट बराबर से आ जाएगी। अगर आप स्टिचिंग नहीं डालते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, तो प्लेट आपकी अस्तर में आएगी लेकिन कुर्ती के कपड़े में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप एक या तो कच्चा टांका बड़ा बड़ा सिलाई डाल के भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, या फिर मशीन से तैयार कर लें और उसके बाद प्लेट डाल। तो देखिए जो मार्किंग की थी यहाँ पे मैंने एक मशीन से सिलाई डाल दिया है, इससे क्या होगा हमारी जो प्लेट है वो एकदम बराबर से दोनों पार्टों में आ जाएगी। अभी प्लेट हम स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर लें और बराबर से खोल। देखिए जो आपको प्लेट डालनी है वो जैसे हम ब्लाउज में डालते हैं वैसा नहीं डालनी है। ब्लाउज में हम क्या करते हैं, नीचे से चौड़ा लेते हैं ऊपर पतला लेते हैं। इसमें क्या करना है, ऊपर से भी पतला लेना है, बीच में 1/2 इंच का लेना है और फिर एंडिंग में अब आपको पतला लेना है, तभी ये प्लेट हमारी बराबर से आएगी। ऐसा नहीं है कि हमने नीचे से चौड़ा ले लिया और ऊपर जाके पतला कर दिया, आपको ऊपर से पतला लेना है, बीच में इसको चौड़ा करना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड में डाल लेते, इससे क्या होगा आपकी कुर्ती की जो फिटिंग है काफ़ी अच्छी। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप ले लें, यहाँ पर आप चाहें तो पहले मार्किंग भी कर सकते हैं अगर आप पहली बार प्लेट डाल रहे हैं तो, इस तरीके से, और फिर इस पर सिलाई डाल। तो देखिए ये प्लेट मैंने स्टिच कर दी, तो आप देख रहे हैं जब यहाँ से प्लेट स्टिच हो जाएंगी तो बीच में जो है ये फिटिंग आ जाएगी और आपका बाकी ऊपर चेस्ट के हिसाब से फिटिंग रहेगी। तो इससे काफ़ी अच्छा रहेगा आपको फिटिंग देने में, तो आप इस आसान तरीके से ये बैक साइड में प्लेट डाल सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।